Hello students, the topic of this video is sign convention for spherical mirrors. Sign convention conventions for spherical mirrors. Students, sign conventions, we use Cartesian sign convention. Cartesian sign convention. Actually, sign conventions are a set of rules to measure distances distances in a ray diagram. These are rules which we follow to measure distances in the ray diagrams to measure distances in the ray diagrams of concave and convex lenses. जैसा मैंने आपको बताया, these are the rules which we follow. ये वे rules हैं जिनको हम follow करते हैं distances को measure करने के लिए ray diagram में, in case of spherical mirrors. We use a diagram to explain these rules. This is a spherical mirror. And this is the principal axis. This is pole of the mirror. ठीक है, अब हम वन बाय वन रूल की बात करेंगे. रूल नंबर वन, देखिए बच्चे, जो रेज है, रेज ऑफ लाइट, वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर की, उधर से आती हैं. तो ये डायरेक्शन जो मैंने एरो बनाया है, इस डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस हम मेज़र करते हैं, दिस डायरेक्शन, ये किसकी डायरेक्शन है? इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन. तो इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं, इट इज़ ऑलवेज टेकन पॉजिटिव. द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन direction of incident rays is always taken as positive. incidence rays की direction में जो भी distance हम measure करेंगे, उसकी value कैसे रखेंगे? positive. rule number two, ये मैं इस एरो के ऊपर लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू हम कैसे लेंगे? पॉजिटिव. इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे, ठीक है, अब अगर हम कोई डिस्टेंस मेज़र करेंगे इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन के अपोजिट में, इस तरह से, ठीक है, इधर से इधर को हम मेज़र कर रहे हैं डिस्टेंस,
ठीक है, तो उसकी वैल्यू को हम कैसे लेंगे, नेगेटिव। द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, रूल नंबर 3, इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स वी मेजर ऑल डिस्टेंसेस फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। ये जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे रे डायग्राम में, सारे कहाँ से मेजर करते हैं, मिरर के पोल से। इधर को भी मेजर करना है इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में तो पोल से मेजर करेंगे, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर करना है तो इधर को मेजर करना है तो वो भी हम कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। तो रूल नंबर 3, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। रूल नंबर 4, बेटे यहाँ पर हमको हाइट भी मेजर करनी पड़ती है, ऑब्जेक्ट की हाइट या हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड। तो जो हाइट किस तरह से मेजर करते हैं हम, या तो हाइट होगी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ, अपवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, या होगी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। द हाइट अपवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव। रूल नंबर 4, हाइट अपवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, और अगर हाइट हम मेजर कर रहे हैं कहाँ पर, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर डाउनवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन दिस हाइट इज टेकन एज नेगेटिव। रूल नंबर 5, द हाइट डाउनवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव। is taken as negative. So students, these were the simple 5 rules which is known as sign convention in case of spherical mirrors for measuring direction. Okay, thank you.